स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशंस के टाइप्स पढ़ लिए, अब हम कौन कौन से तरीकों से उनकी कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ फोकस करें, मैंने एक रफ लाइन बनाई है, हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। मास परसेंटेज एक तरीका, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। तो वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं मास परसेंटेज की, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें, तो कंसेंट्रेशन का मतलब कि किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। जनरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन। एक गिलास पानी के अंदर अगर हम एक चम्मच चीनी घोल देते हैं तो चीनी की कंसेंट्रेशन वहां से निकालेंगे, ओके। सेम उतनी ही क्वांटिटी में हमने दो चम्मच चीनी डाल दी, तो दोनों में से मिठास किसमें ज्यादा होगी, जिसमें चीनी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मींस जिसमें हमने टू स्पून ऐड करी थी। तो कंसेंट्रेशन मींस कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले मास परसेंटेज। तो इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है, हैविंग मास डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, ये दो कंपोनेंट और हमने यहां पे इनके मासेस ले लिए। तो मास परसेंटेज ऑफ ए किसके बराबर होगा, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। और आप सिंपली निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू आपके पास निकल आई तो, और इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए। ये दोनों में से आप जिसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, आप 100 में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, जैसे आप नॉर्मली निकालते हो, मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो उसी तरीके से एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल, तो उसमें दोनों का आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। अब वॉल्यूम सेम है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, बोथ आर सेम, फर्क क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगेन लेट ए एंड बी टू कंपोनेंट्स हैविंग वॉल्यूम वी ए एंड वी बी, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, मीन्स वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी किसके बराबर होगा, वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, और एज अर्लियर वी डिड, इसके किसके बराबर होगा, ये 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। और इंटरचेंज, अगर आप यहां ए लिखते हो तो यहां पे बी लिखते हो तो यहां बी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मास और वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये हमने दो कर लिए, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। मिलियन रहता है 10^6। जब आप 100 पार्ट कर रहे थे, परसेंटेज कर रहे थे, दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय 100, और अब यहां पे क्या हो जाएगा, 10^6। अगेन लेट
A and B, two components. ठीक है. Now, parts per million of A या concentration of A हम निकालना चाहे तो किसके बराबर होगी? Mass of A upon total mass of solution multiplied by 10^6. मतलब अगर A का निकाल रहे हो, W A upon W A plus W B into 10^6. ठीक है. तो ये वाला जो प्रोसेस है पार्ट्स पर मिलियन, ये यूज किया जाता है जहां पे सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो. तो मतलब पर 100 पार्ट्स हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन का दायरा बढ़ा देते हैं सो दैट सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हमारे पास थोड़ी ज्यादा आए. ठीक है. तो 10^6 कैसे बना? 100, 100, 100, तो हमने उसको 3 times बढ़ा दिया. तो अगर 0.0001 है 100 में, तो आप देख सकते हैं 2 बार इसको करेंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन, इसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, मेजरेबल क्वांटिटी में आ जाएगा, हम उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं. तो जितना भी हम लोग पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं तो उसमें क्लोरीन कितनी ले रहे हैं वो हम ppm में ही लेते हैं. BOD, COD वो भी हम पार्ट्स पर मिलियन ही लेते हैं. तो ये थे बिल्कुल सिंपल मेथड्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन. तो अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की. नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन इज मोलैरिटी. आप लोगों ने प्लस वन में भी इसको किया है. वी आर जस्ट हैविंग अ रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस, जो भी आप लोग कर चुके हैं प्रीवियस नॉलेज. सो मोलैरिटी इज, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब सिंपल टर्म्स में मैं अगर लिखूं मैथमेटिकली, मोलैरिटी किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके. तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बना? इट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, मुझे लीटर में करना है तो वॉल्यूम हम ले रहे हैं VML में, तो 1000 के साथ मैं उसको डिवाइड करूंगी सो दैट ये क्या बन जाए? लीटर. तो क्या बन गया? ये गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 चला जाएगा ऊपर और वी कहां रह गया? नीचे. तो दिस इज जनरलाइज्ड एंड सिंपल फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी. गिवन मास मॉलिक्यूलर मास 1000 अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम किस में है? इसमें वॉल्यूम इन ml. ठीक है. और इसका जो सिंबल रहता है उसको हम m लिखते हैं कि कितने मोलल, दिस इज कॉल्ड कितने मोलर, कितना मोलरिटी है, कितने मोलर सॉल्यूशंस हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 4 gram सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब आपको गिवन क्या है? गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 gram, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो कितना हो गया? 40 gram. वॉल्यूम 250 ml. तो मोलैरिटी किसके बराबर है भाई? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000
अपॉन वॉल्यूम, वैल्यू पुट कीजिए, 4/40, 1000/250, तो 250 4s are 10s are, तो ये आया 4/10 इक्वल टू 0.4 मोलर। इस m का मतलब है मोलर, इतने मोलर ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस की मोलैरिटी, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000/वॉल्यूम। देखिए मैंने आपको बोला नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये मोलर सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं? हम क्या करेंगे, हमने लिया सॉल्यूट और उसको पहले थोड़े से सॉल्वेंट में घोलते हैं, स्मॉल अमाउंट, मतलब बड़ा स्मॉल भी नहीं। अगर मुझे 1 लीटर बनाना है, चलो अभी मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया ना, ये था मेरे पास 4 ग्राम और मुझे टोटल सॉल्यूशन बनाना है 250, तो मैंने क्या किया, वाटर के 100 ml ले लिए, ठीक है। तो ऐसे एक बीकर में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और इतना सा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया। जब ये घुल गया, अब मैंने इसको ट्रांसफर किया एक मेजरिंग फ्लास्क में जो कि ग्रेजुएटेड है, पढ़ी लिखी है, और उसके ऊपर यहाँ पे मार्क है, इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 250 ml, और ये नेक लंबी होती है और नेक के ऊपर ऐसे निशान बना होता है, आप सब जानते हो, इस निशान तक हमने इसमें पानी भरना है। इसको जब मैंने इसमें शिफ्ट किया तो ये इतना सा बना, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम और वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करते जाएंगे जब तक ये इस लेवल तक नहीं आ जाता, यहां तक नहीं भर जाता, ऐसे। तो अब ये बन गया हमारे पास 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि 4 ग्राम को आपने सीधा 250 के अंदर डिसॉल्व किया और वो सॉल्यूशन बन गया 0.4 मोलर। नहीं, सॉल्यूशन का मतलब 250 ml सॉल्यूशन बनना है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर 250 के बराबर आएंगे। तो वो इसी तरीके से आएंगे, पहले सॉल्यूट को थोड़े सॉल्वेंट में घोल लीजिए, फिर उसमें वाटर ऐड करके उसका पूरा वॉल्यूम सॉल्यूशन के बराबर बना देंगे। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी, नेक्स्ट इज मोलैलिटी, ठीक है। व्हाट इज मोलैलिटी, पहले था मोलैरिटी, अब है मोलैलिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम, मींस 1 किलोग्राम और 1000 grams ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोलैरिटी के अंदर यहां सॉल्यूशन था और यहां पे क्या है, सॉल्वेंट, दैट इज मोलैरिटी किसके बराबर आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और आप किसके बराबर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ग्राम्स में है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 एक्चुअली इसके नीचे आएगा, पलटकर वहां चला जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम्स में। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। तो यहां पे क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, लेकिन यहां सॉल्वेंट ही क्या है, 1000 grams और 1 kilogram। तो सॉल्यूट जो भी होगा इसमें डिसॉल्व करेंगे और क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको बताती हूं। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया है। इट सेज
2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. कैलक्यूलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? एक है 2.5 ग्राम और एक है 75, तो दोनों में से जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में है दैट विल बी सॉल्वेंट. तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट यहां कौन है? इथेनोइक एसिड. कितना है? 2.5 ग्राम. ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला आपको गिवन है CH3COOH. आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 + 12 = 24 प्लस हाइड्रोजन 3 and 1 = 4 प्लस 16 × 2 = 32, तो ये आ गया 60. तो मॉलिक्यूलर मास है 60 ग्राम्स. ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन. कितना है? 75 ग्राम्स. तो फॉर्मूला क्या कहता है? मोलैलिटी इक्वल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. तो कितना है गिवन मास? इट इज 2.5. मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला 60. इट इज 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इट इज 75 ग्राम. जीरो से हम जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये डेसिमल हटाया और नीचे 10 आ गया, एक जीरो और कैंसिल हो गई. 25 ones are 25 threes are 75, तो ये आ गया 10/18. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा अराउंड 5.56 मोलल. ये है इसकी मोलैरिटी. आप इस तरीके से निकालेंगे 0.0 0.556. एक्चुअली 5.5 ही आता जाएगा, तो राउंड ऑफ करके हमने 6 लगा दिया. तो इस तरीके से जो कुछ गिवन है उसको लिखिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया होता 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन लेट इट बी 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, 75 ml ऑफ बेंजीन. बाकी सारा फॉर्मूला सेम, मोलैरिटी निकालिए. अब 75 ml है लेकिन मुझे क्या चाहिए यहां पे? मास. तो उस न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी भी दी गई होगी, तो मैं यहां एज्यूम कर रही हूं लेट गिवन आपको है कि डेंसिटी ऑफ बेंजीन इट इज 1.10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ये गिवन है आपको, जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा, आपको उसकी डेंसिटी गिवन होगी. वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 1 रहती है. तो अब यहां पे गिवन मास 2.5 ग्राम, ये है सॉल्यूट का. ठीक है, तो देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज 75 ml, लेकिन साथ ही साथ आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट 1.10 ग्राम्स पर ml और पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास किसके बराबर आएगा भाई? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मींस 75 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1.10 और मेरे पास आ गया 75 × 1.10, इट विल बी 82.5 ग्राम्स. अब ये मास आ गया, हमने वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? मास. फिर इसके आगे हमारा वही फॉर्मूला चलेगा, मोलैलिटी किसके बराबर आएगी? गिवन मास 2.5,
मॉलिक्यूलर मास 60 इंटू 1000 अपॉन 82.5, ठीक है। डेसिमल हटाया, नीचे 10 लगा दिया, ये डेसिमल हटाया और ऊपर 10 लगा दिया, 120, 120 कैंसिल, ठीक है। फिर इसको काटने के बाद देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 25 3 75, फिर 7 कैरी हुआ, 3 75, 2 3 6, 2 50 100, तो हमारे पास आया 50 upon 33 3 99 और आंसर आ गया 0.5050 स्मॉल एम लग जाएगा मोलल। तो ये एक एग्जांपल था बच्चे कि अगर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे डेंसिटी दी गई होगी। तो आपको पहले डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, मास में, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नाउ आप लोगों ने मोलैरिटी भी पढ़ ली, मोलैलिटी भी पढ़ ली, अब इन दोनों का कंपैरिजन उसके बेस पे पेपर में क्वेश्चन आता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज, मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसेंट्रेशन, व्हाई? व्हाई मोलैलिटी इज कंसिडर्ड बेटर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलैरिटी? चलिए देखते हैं। देखो ये है मोलैरिटी, मैं आमने सामने लिख लेती हूं, और ये है मोलैलिटी, ठीक है, ये लीजिए। तो मोलैरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, यहां मैं लिख लेती हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके, ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम ले रहे हैं और यहां पे सॉल्वेंट का हम मास ले रहे हैं, तो जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, मोलैरिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट, व्हाइल मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज मास डिपेंडेंट, ठीक है। अब आपको पता है, यहां तक तो कंपैरिजन आ गया, अब टेम्परेचर के साथ क्या चीज चेंज होती है, व्हाट चेंजेस विद टेम्परेचर? आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। तो व्हाट इज दैट, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब कॉमन लाइन में आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, व्हाइल मास रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स सेम। इसका मतलब मोलैरिटी जो है टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, जबकि मोलैरिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर मोलैरिटी चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, बट मोलैलिटी रिमेन्स सेम, मोलैलिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर मोलैलिटी इज प्रेफर्ड और कंसिडर्ड बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी,
ठीक है। अब देखिए इसमें मोलैरिटी के जो यूनिट्स हैं क्या रहते हैं, मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स, और इधर रहता है मास, तो इसके यूनिट्स क्या रहते हैं, मोल पर किलोग्राम और मोल किलोग्राम इनवर्स। तो यूनिट से पता चल रहा है ये पर लीटर और ये पर किलोग्राम। तो इस तरीके से मोलैरिटी और मोलैलिटी को कंपेयर करके ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, और आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। जहां कंपैरिजन आ रहा है कंपैरिजन, जब आपको अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपने कंपाइल करना है तो आप कंप्लीट लाइन में लिखेंगे। तो मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। नाउ हियर वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन। आउट ऑफ मोलल एंड मोलर सॉल्यूशंस, विच इज मोर कंसेंट्रेटेड। ठीक है, अब आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंसेप्ट कर लिया, मोलल सॉल्यूशन और मोलर सॉल्यूशन, इनमें से ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन है, लेट्स सी। तो मैं एक तरफ ले लेती हूं मोलैरिटी और एक तरफ ले लेती हूं मोलैलिटी। ठीक है, हमें तैयार करना है वन मोलर NaOH और वन मोलल, यहां स्मॉल m रहेगा, वन मोलल NaOH, मतलब नंबर ऑफ मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैंने दोनों साइड बराबर लेने हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मोलैरिटी के हिसाब से वन मोल मींस 40 ग्राम, जो इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लगेगा, 40 ग्राम। इधर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लगेगा, 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब वन मोल, ठीक है, 40 ग्राम मतलब वन मोल। ओके, यहां पे वॉल्यूम 1000 ml और यहां पे सॉल्वेंट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml, और इधर सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रहेगा, 1000 ग्राम्स। ओके, नाउ मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहां हमने वाटर ही लिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 g/cm³, और डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। तो कितना सॉल्वेंट का मास लिया है, 1000 upon 1, तो ये आ गया 1000 ml। मैंने दोनों को ml में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि वाटर को हम उसको वे नहीं करेंगे। अब देखें यहां पे हमने क्या किया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो इधर सॉल्यूट कितना था, 40 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट जितना भी होगा, लेट इट बी v, और हमारे पास नेट सॉल्यूशन कितना बन गया, 1000 ml। यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि यहां पे पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 1000 ml, 1 लीटर हो जाता है। तो 40 ग्राम हमने जितने भी सॉल्यूशन के अंदर, जितने भी लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, तो नेट इतना आया, नेट 1 लीटर। और इधर देखें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, अब यहां पे क्या है, 40 ग्राम और सॉल्वेंट कितना है, 1000 ml। यहां पूरा नेट सॉल्यूशन 1000 ml था और यहां पे अकेला सॉल्वेंट ही कितना है, 1000 ml। तो आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन है इट विल बी ग्रेटर देन 1000 ml। तो आप देख लीजिए दोनों में से फिर ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन हुआ, दैट इज मोलर सॉल्यूशंस आर मोर कंसेंट्रेटेड देन मोलल, क्योंकि मोलल में अकेला सॉल्वेंट 1000 ml आ रहा है, और अगर सॉल्वेंट कोई और भी होगा तो आपने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी देखा था कि वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई होके वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी यहां मैंने कॉमन लिया कि जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कंप्लीट आए, एक तरह के ही आए,
तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक मोलर बनाना है और एक मोलर बनाना है। तो आप देख सकते हो यहां पे नेट सॉल्यूशन जो है, दिस इज नेट सॉल्यूशन दैट इज मोर देन 1 लीटर। तो नेचुरली 40 ग्राम पर 1000 ml, उससे भी ज्यादा है तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट विल बी लेसर। लेकिन यहां पे 40 ग्राम प्लस वॉल्यूम और इक्वल टू कितना होगा वो 1000 ml। तो ये थी मोलैरिटी आपने किया, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर डिफरेंसेस किए। और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट 3 जो हमारे बच गए हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी। वेट फॉर पार्ट 2।